यार पता नहीं कल रात से मेरी ना लेफ्ट आंख फड़क रही है। क्या मतलब होता है इसका? फ्लू है फ्लू। शुभ होता है या अशुभ होता है? इसमें शुभ अशुभ क्या है? घर वाले कहते हैं कि लेफ्ट आंख फड़कना मतलब कुछ बुरा होने वाला है। अबे क्या अंधविश्वासी लोग हैं देश में बैंचो, खाली कैची मत चलाओ, घर में लड़ाई होगी। इसका मतलब जो सलून में काम करते हैं उनके घर में क्लेश ही होते रहते बैंच। लेकिन इसका करे क्या? शुभ है कि अशुभ है? नस्ते बेटा नस्ते। अशुभ होता है। वो मेरी टिकट कहाँ है? इलेक्शन में खड़ा होगा क्या? कौन सी टिकट? थाईलैंड जा रहा हूं ना मैं, तो मुझे बताया कि मेरी टिकट यहाँ है। किसने बताया? मुझे फोन आया कि मेरी टिकट तुम्हारे पास है। पर हमें कोई फोन नहीं आया कि आपकी टिकट हमारे पास है। तो मेरी टिकट है कहाँ? तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तू आया नहीं है, तुझे लाया गया है। अरे क्या लावड़ा फंस गया मुंह में? टीटू भाई आप यहाँ? तो कहाँ भांजा है मेरा? Oh no! बे उससे क्या कंफर्म कर रहा? थर्ड एम्पायर है वो। पर मैंने फोन करके बुलाया तुझे यहाँ, बे बहुत घुमाया तूने। आज मैं तेरी रिपोर्ट लेता हूँ। मेरे पैसे कहाँ है? घूर क्या रहा बे चमगादड़? ये अपनी बीवी को भी ऐसी देखता है, तभी तो आज तक हनीमून पे नहीं गए दोनों। तेरे को बता के जाऊंगा। टेक्निकली बाप को तो बताना है ये। तो मैं थाईलैंड नहीं जा रहा? अबे ट्यूबलाइट, तेरे को यहाँ जानबूझ के बुलाया गया है। थाईलैंड विलन की कोई टिकट नहीं है। मतलब वो फोन कॉल, कूपन स्क्रैच और वो लकी विनर सब झूठ था? तू पागल है? मैंने तो वहाँ होटल, कैसीनो और क्रूज बुक करा दिए मेरे पैसों से। तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे बहुत है। तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे तूफानों से खेलने की आदत है। तूने अपने नुन्नू का नाम तूफान रखा है? अबे घाट कोपर के मैन इन ब्लैक। अरे बच्चों ने बताया तूने इनकी जिंदगी कैसे बर्बाद करी हुई है? मैं तो इसके बाप के सामने इनके कारनामों का चिट्टा किट्टा खोलना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे पॉर्न देखते हैं। अरे क्या गुनाह है पॉर्न देखना? बचपन में पैदा होते ही करियर का बोझ उनके सर पे डाल देते हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, रेस होती है रेस। डेप्रिसिएशन पढ़ते पढ़ते इसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। इसको देख, प्रैक्टिकल्स की डेडलाइन इसकी जॉलाइन जितनी शार्प है। एलजेब्रा में घंटा कुछ नहीं आता इसको। अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहा तो एलजेब्रा वाली एक्स का अचार डालेगा। सुबह सुबह बैग लेके निकलते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर तोड़ने जा रहे हैं। क्लास वर्क और होमवर्क की किताबें अलग आवे, कल से कुंजी लेके जाइए, सारे सवाल उसी में से आते हैं। हर बार पीटी पीरियड में कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाता है, इनका एक्साइटमेंट मातम में बदल जाता है। साला कभी कभी टीचर का कोई टॉपिक पढ़ाने का मन नहीं हुआ तो वो पूरा चैप्टर बच्चों को होमवर्क दे देते। अरे अपनी जिम्मेदारी बच्चों पे क्यों डाल रहे हो? चादर है वो। घर आके भी चैन कहाँ है? वो जो स्कूल की रेस है वो असल में रिले रेस है। स्कूल वाले अपना बेटा है ट्यूशन वाले के हाथ में दे देते हैं और वहाँ तो टीचर स्कूल से तीन चार चैप्टर आगे चल रहा है। अरे बच्चे पहले स्कूल में पढ़े फिर तेरे साथ कोप अप करे, क्या चल रहा है ये? और ये कभी कभी का नहीं है, रोज का है। ऐसे में अगर 15 मिनट दिन का सुख मिल जाता है तो तेरी क्यों जलती है बे? खुद की जिंदगी में फूका पड़ा और हमारी में उंगली करता रहता है। अरे बच्चा बेचारा पंछी है, उड़ना चाहते हैं उड़ने दे, शांति से पेड़ पे बैठना चाहते हैं बैठना दे। सारे पेड़ काट दूंगा, घोफला तेरी गांड में बनाऊंगा फिर। मामा जी 3 दिन हो गए कुछ खुल के नहीं बोला। आप सामने होते हो तो थोड़ा रिजर्व रहता हूँ। या कोई अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ी ना है जो रिजर्व रहेगा। तू खुल जा। आपको शर्म नहीं आती बैंक इतने भले आदमी के साथ धोखा करते हुए? माना कि एक नंबर के लुच्चे लफंगे पड़ोसियों के बच्चों के मुंह से निवाला छीनने वाले लगते हैं, लेकिन पता कितने इंस्पायरिंग आदमी है। इंस्पायरिंग बेवकूफ। तुम लोग चालाकी से मुझे यहाँ लेके आए, फंसाना चाह रहे हो? अगर तू मेरा पैसा बिना किसी गड़बड़ के दे देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। मामा तेरे जैसे बहुत आए और चले गए तो तू अपनी टांगे खोल के क्यों रखता है? अबे सस्ते शार्प शूटर, तू मुझे बाहर मिल। क्यों खुले में देगा? चार लोग एक आदमी पे चढ़ रहे हो, वाह। यही तो तेरी फैंटेसी थी। मैं तुम सबका वजूद मिटा दूंगा। तो तेरे को कोई काम धंधा है कि नहीं? ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अबे अपनी जिंदगी शांति से जीना क्यों उंगली करता है? सही जगह उंगली करी होती तो होला का फपोला आ जाता अभी तक। मेरा पैसा क्यों लिया? मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? नहीं बता सकता। मेरा घफला करके मुझे नहीं बताएगा। सूरज ढल रहा है। 2 बज रहे हैं। मैं फूल मुरझा रहे हैं। कल ही तो पानी डाला था।
खड़ी चट्टाने ढह गई। कुतुब मीनार लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा हो गया बेंच। इफ़का पंकज उदास हो गया। बुमरा गुमरा हो गया। ए स्कॉडा लॉरा स्कॉडा लल्ली हो गई। इसीलिए मुझे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना था और तूने मुझसे घपलेबाजी की। मुंह तो ऐसे लटकाया हुआ है जैसे किसी बुढ़े के टट्टे। ला दे मेरा पैसा, जो करना है कर ले। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, पर मैंने बहुतों का उखाड़ा है। हाथ पकड़ो बे। नहीं, औजार काट पाले का। नहीं, नहीं। ना देखना पड़ता तुझे ये दिन, ना खेला होता वो घिनौना खेल। अब जिंदगी भर यही फोफता रही हो, मेल टॉयलेट या फीमेल। नहीं क्या पकड़।